मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर जिंदगी, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरे भाइयों, मैं आपके बीच में कोई नेता नहीं हूं, आपका थोड़ा सा अपना समय बच्चों में बैठने के अनुसार हम आते हैं शाम को, अपने बच्चों में बैठ करके जरूर दो बात करनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि शाम का भोजन बच्चों के साथ ही बैठ के करना चाहिए, पूरा परिवार को बैठ कर करना चाहिए, तो हो सकता है कि बच्चों के अंदर जो संस्कृति है, अगर आप जब व्यक्ति व्यक्त करेंगे बच्चों की और अपनी बोलने की शैली समझेगी, पहली बात उठती है। अगर आपके अंदर शैली अगर आपके उत्तम क्वालिटी की है तो बच्चों की शैली भी समझेगी। शब्दों का चयन यथा समय यथा स्थान चयन करने की क्षमता भी उनके अंदर बढ़ेगी। तो मेरा इस संदर्भ में निवेदन है कि हमने आवश्यक अवस्थाएं तो हमने पूरी कर ली जैसी में हमारे को हो सके। ये आरामदायक अवस्थाओं में सबसे मुख्य आरामदायक अवस्थाओं में सबसे बड़ी बड़ी बात है कि हम अपनी संतान को आने वाले आदरणीय शेर सिंह जी, सूर्यवंशी, हमारे सूर्य प्रकाश जी, देवेंद्र जी और राज सिंह भागड़ी जी, मेरे सम्मित सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, जो बहुत ही जुझारू और हमारे समाज में जिन्होंने अभी दोनों भाई बोल रहे थे, शिवचंद जी और हमारे नेत्रम ठगेरा जी, क्योंकि वो अपने मुख से अपनी तारीफ नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी जब यहाँ दिल्ली में आया तो मैं पढ़ता था, और पढ़ने के साथ साथ मैंने यहाँ अपना गवर्नमेंट का लाइसेंस बनवाया और गवर्नमेंट ठेकेदारी शुरू करी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह समाज के अंदर कूट कूट के जो सामाजिकता भरी हुई है, नेत्राम ठगेला जी में, शिवचंद सूर्यवंशी जी में संगठन चलाएं, केपी सिंह जी संगठन, सब लोग चलाएं और सब लोग आगे बढ़ें।